ये है वह चांद। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हुए, आज है चांद रात, आज चांद रात दिखाई जाएगी। थोड़ा सा ब्लॉग हम शूट करेंगे, आपको चांद दिखाएंगे इंशाल्लाह, और फिर कल को सुबह को तैयार होकर फिर ईद का ब्लॉग दिखाएंगे आपको। और मैं छत पर आऊँगा, फिलहाल यहाँ पर बंदर था इसलिए मैं भाई बाइपर लेकर आया था साथ में। बंदर नहीं आया, आप तो भाग गए। फिलहाल जहाँ भी होगा सारे को मत डालूंगा। और नज़ारा देखोगा भाई, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है शाम का नज़ारा। ये देखिए भाई नज़ारा, ये देखिए भाई नज़ारा, माशाल्लाह क्या नज़ारा हो रहा है भाई शाम का, देख रहे हो आप। पूरा चारों तरफ से घुमा दे रहा हूँ, ये देखिए भाई बहुत ही प्यारा हो रहा है भाई। भाई आपको भाई कटिंग आज कल करवाइया था, क्योंकि भाई आज बहुत भीड़ रहेगी चांद रात पे। चांद रात वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं टेंशन नहीं, कल के नहा धो के अपने फ्रेश होके चल जाएंगे ईदगाह के लिए। तो चलिए भाई फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अजान होने वाली है, इसके बाद आएंगे ईद का चांद। तो हो गया अजान भाई, चांद दिख चुका, हम तो लेट हो चुके भाई। तो चलते भाई जल्दी से ऊपर छत पे, पहले से कोई मौजूद है यहाँ पे। और देखो भाई रोशनी रोशनी, तमाम पटाखे पर भाई आप सभी को चांद मुबारक। तो को भाई भैया चांद हमारा माशाल्लाह भाई, ये देखिए है का चांद भाई, इस बार जूम बहुत अच्छा दिया है भाई। खुशी में चांद ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं भाई, माशाल्लाह वाह भाई वाह। ये थोड़ा ओ वहाँ से छत पे से फोड़ रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, अरे सामान है ये भाई। हमारे भाई की खुशी चांद का भाई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हवा ना भाई बहुत ही अच्छी चल रही है माशाल्लाह। देखो आपको दिखाता हूँ भाई हवा कितनी अच्छी चल रही है, ये देखो भाई कैसे हिल रही है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। मैं नहा धो के बहुत रेडी हो चुका हूँ भाई, बहुत लेट हो चुका, काफ़ी टाइम हो रहा है। देखिए इस वक्त 8 बजे वैसे 5 मिनट, चलो चलते हैं भाई जल्दी से, अगर मैं पैदल जाना पड़ेगा इस बार क्योंकि गाड़ी नहीं है। सभी लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी, लेट हो चुका भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं और टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 8:30 का ऐसा नमाज जा खड़ी कर देंगे। तो भाई गाड़ी में नहीं भाई, पैदल जाना पड़ेगा भाई, हंसूंगा नहीं भाई बुजुर्ग टूट जाएगा। और साइबर देखो कितने अच्छे हो जाएगा। तो मैं आ चुका भाई ईद वाले रास्ते पर भाई, 5 मिनट पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह, जल्दी सफ़र हो जाएगा। आज तो भाई पंगा हो गया पैदल में बिल्कुल भी, यार गाड़ी नहीं है, पिछली तरफ तो बाइक भी थी। और ये हमारा दोस्त मिल जाएगा शाहरुख, देखो भाई पब्लिक जा रही है, पब्लिक कहाँ कहाँ से नमाज़ पढ़ने आ रही है, इतनी दूर से वो देख रहे हो भाई, तो वहाँ से आ रही है इतनी दूर से, बस रास्ता एक तो ईदगाह पर पहुँचेंगे जल्दी से। और भाई ईदगाह आ चुके हैं भाई, इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, काफ़ी लेट हो चुके हैं, बहुत लोग बैठे हैं, आप देख रहे हो मुझे बैठे हैं, मुझे बैठना पड़ेगा इस बार। ये भाई जमात खड़ी हो चुकी है भाई, नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर मुलाकात करेंगे भाई। नमाज़ हो गई है और भाई हमसे कह रहे भाई मिलना जरूर, तुम्हें जरूर मिलना इंशाल्लाह ईद मुबारक। गले में सूख नहीं बनाई भाई, सभी भाई चल रही है भाई, नमाज पढ़ कर अपने घर, मम्मी चले गए अपने घर। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आने वाले के हुई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक दोबारा गले मिलूंगा मैं भाई, इनकी बहुत रिक्वेस्ट है ईद मुबारक मिलने की, तो वीडियो बना दे रहा हूँ पहले, मिल लिए खुश हैप्पी, मेरे सब्सक्राइबर खुश रहना चाहिए ना। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। तुम्हारा फ्रेंड आ चुका भाई, इस बार छोड़ के आ गया, दगाबाजी कर दी, गलत बात है। बहुत बहुत ईद मुबारक आ जाए। तो चलिए भाई सब अपने को पाता पढ़ना है, सुहेल ने तो पढ़ दी अपनी दादी, अब चलते अपनी दादी की कौर पे। चलिए भाई अपनी अम्मी कौर कवर दुआ तो पढ़ दी, चलते हैं। तो चलिए भाई अब चलते हैं भाई घर, सब काम हो चुके हैं, अब चलते हैं भाई घर, घर बहुत देर हो चुका है, घर नहीं गए अभी तक, घर पर आ चुका भाई और बहुत लेट हो गया भाई। भूख भूख तैयार ना हुई है, रोको तैयार ना हुई, अरे भैया रो रही है, पत कहाँ पत, आ जा आ जा, अरे पत भी तैयार ना हुई है, पत क्यों ना तैयार हुई अभी तक, आ जा भाई तैयार करो, करा लेना क्या बात है,
तैयार करो, ईद का दिन है भाई, खुद भी तैयार न हुई है, इसे भी तैयार ना कर रहे हैं। ये देखो भाई हमारी इफ्फत क्या करी जा रही है, हाँ चिल्ला जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा खुशी मुझे लगे है, इफ्फत ज़्यादा खुशी है बोल। अब भाई ईद मुबारक नहीं दी अपनी बहनों से, ईद मुबारक देते हैं उनको, फ़ोन लगाते हैं चलिए भाई, वो तो दिल्ली है वो। ईद मुबारक हो मुजुब भाई, आपको भाई बहुत बहुत ईद मुबारक हो भाई। बाबू दे गए सलीम ताऊ, जो कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। चलो अभी रुब्बू को दिखाने लगे, रुब्बू रोती बहुत है यार, तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। रुब्बू ईदी किसने दी, किसने दी दी दादा, दादा ने दी, कौन सा वाला दादा ने, पीछे वाले दादा ने, अच्छा अरे वाह चले आओ, चलो रुब्बू मेहंदी दिखाओ अपनी, मेहंदी मेहंदी दिखा, अरे वाह दूसरे हाथ की दिखा, दूसरे वाले हाथ की, ये देखो रुब्बू के चांद तारा आर और वन्ना। क्या यार पता नहीं ईद वाली फीलिंग नहीं आती बिल्कुल, हम जैसे बाहर जाते हैं मतलब बचपन की बताऊँ आपको, पहले हम जैसे पैसे देते थे हमें ईदी लेके सबके, तो पेटीज मोमोज मोमोज ये सब खाने जाते थे, चाउमीन वाउमिन, ठीक है कोई फीलिंग नहीं। अब तो भाई खुद कमाते हैं ना, तो जब भी मन कर खुद खा लिया, अब वो यार फीलिंग नहीं आ रही ईद वाली, अब बड़े हो गए जिम्मेदारी आ गई ना, तो ऐसी है भाई, तो लंबा ब्लॉग करना भी नहीं चाह रहा भाई, इसलिए मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और फिर डाल दूँगा भाई, टाइम कट ही नहीं रहा, अब क्या करूँ वीडियो एडिटिंग कर लूँ इससे बढ़िया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। भाई आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक।